नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। बाबर और हारिस रऊफ की शदीद लड़ाई, रमीद राजा ने दोनों पर पाबंदी लगा दी। आज बाबर आजम हारिस के दरमियान लड़ाई शदीद इख्तियार कर गई। दोनों के दरमियान जुमला तर कलाम हुई, जिस पर अंपायर ने दोनों का बचाव करा लिया। आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर न्यू होने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। जी तो नाजरीन, आपको बताते चले कि बाबर और हारिस रऊफ के दरमियान लड़ाई शदीद इख्तियार कर गई, शिद्दत इख्तियार कर गई। मैच नंबर 14 के मैच में बाबर और हारिस रऊफ के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और दोनों के दरमियान तलाक कलाम भी हुई। वजह यह थी, बाबर आजम ने हारिस रऊफ को तुलाई की, जिस पर हारिस रऊफ ने उनके दरमियान तलाक कलामी शुरू कर दी, जिस पर उनको अंपायर ने बचाव किया, जिसमें बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी, जिसमें बाबर आजम ने 13 चौके और 6 छक्के लगाए थे। उन्होंने 93 रन का हदफ दिया था, जो पूरा करना कर सके तो मैच तो हार गए। लेकिन हारिस रऊफ बाबर आजम की लड़ाई पर रमीद राजा ने दोनों प्लेयर पर 3-3 मैच की पाबंदी लगा दी। नाजरीन, यह थी अब तक की अहम तरीन खबर, इसके साथ दीजिए।